नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेधक टीवी में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी जरूर क्लिक करें, इससे जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। इंडियन माइथोलॉजी, हाईटेक स्पेस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वॉर स्टोरी, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आपको यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि गरुड़ देव तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली प्राणी है और इसीलिए भगवान विष्णु ने इन्हें अपना वाहन बना लिया था। आज के एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि गरुड़ देव कौन थे और कैसे वह भगवान विष्णु के वाहन बने। गरुड़ देव महर्षि कश्यप के बेटे थे। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, उनमें से दो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, विनीता और कद्रु। पर ये दोनों सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से शत्रुओं की तरह व्यवहार करती थी। एक बार महर्षि कश्यप उन दोनों पर प्रसन्न हुए और दोनों को कुछ मांगने के लिए कहा, तो कद्रु ने उनसे 1000 शक्तिशाली पुत्रों को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। जब विनीता ने ये बात सुन ली तो उसने भी कश्यप जी से सिर्फ 2 ऐसे पुत्रों की इच्छा प्रकट की जो कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलवान और पराक्रमी हो। पुत्रों की इच्छा व्यक्त करने के बाद दोनों बहनें गर्भवती हो गई। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को दोनों ने गर्म बर्तन में रख दिया। कुछ वर्षों बाद जब कद्रु के अंडे फूटे तो शेषनाग, वासुकी और तक्षक के साथ 1000 बलशाली नागों ने जन्म लिया। परंतु विनीता के अंडे काफी समय होने के बाद भी नहीं फूटे थे। अपने बच्चों को जन्म लेने में देरी होती देख विनीता ने एक अंडे को अपने हाथों से ही फोड़ डाला। उसने देखा कि उस अंडे में जो शिशु था वो एक पक्षी था, पर उस शिशु का ऊपर का आधा ही शरीर पुष्ट हो पाया था और नीचे का शरीर अभी भी अपरिपक्व ही था। उस शिशु ने क्रोध में आकर अपनी माता विनीता को शाप दिया, अपनी जिस बहन की बराबरी करने हेतु तुमने मुझे अधूरे शरीर का बना दिया है, तू हमेशा ही उसकी दासी बनकर रहेगी। अपने ही पुत्र से श्राप पाकर विनीता काफी दुखी हो गई। शिशु को भी बाद में अपनी माता का दुख देखकर उस पर दया आ गई। तब उसने ये कहा, अगर तुमने मेरे दूसरे भाई को अंगहीन नहीं किया तो वही तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वह शिशु आकाश में उड़ गया और बाद में भगवान सूर्य के रथ का सारथी बन गया। विनीता के उस शिशु का नाम अरुण था। कहते हैं कि प्रातः काल में सूर्योदय के समय की लाली माँ विनीता के उसी पुत्र अरुण की होती है। अरुण से श्राप मिलने के बाद विनीता ने दूसरे अंडे का अपने आप फूटने तक इंतजार किया और समय आने पर जब वो अंडा फूटा तो उसमें से गरुड़ नामक महाबलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ। गरुड़ बड़ा ही बलवान और पराक्रमी था। जब उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ कद्रु ने अपने शक्तिशाली पुत्रों के साथ मिलकर धोखे से उसकी माँ विनीता को दासी बना लिया है, तब गरुड़ ने कद्रु और उनके पुत्रों से कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी माँ को अपनी दास्यता से मुक्त कर दो। तो नागों ने कहा कि अगर तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को दास्यता से मुक्त कर देंगे। कद्रु की सबसे शक्तिशाली संतान शेषनाग अपनी सौतेली माँ विनीता को दासी बनाने के विरुद्ध थे, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने पहले ही चले गए थे। गरुड़ देव ने अपनी माँ को दास्यता से मुक्त करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और तब इंद्र सहित सभी देवताओं से गरुड़ का युद्ध हुआ, पर सारे देवता एक साथ मिलकर भी गरुड़ को रोक नहीं पाए और गरुड़ सबको हराकर अमृत लेकर चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने अमृत कलश ले जा रहे गरुड़ को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे गरुड़ में अमृत पीकर अमर होने का जरा भी लोभ नहीं है। तब भगवान विष्णु गरुड़ के पास आ गए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो गरुड़ ने कहा, भगवान आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए और मैं बिना अमृत पिए अजरामर हो जाऊँ, ऐसा कुछ कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। गरुड़ ने भी विनती की कि आप भी मुझसे कोई वर मांग लें। गरुड़ की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम हमेशा के लिए मेरा वाहन बन जाओ। और तब से आज तक गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए बताएं।